बीसीसीआई क्रिकेट ट्रायल्स को लेकर तीन बहुत ही बड़े आए अपडेट, थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं बीसीसीआई ट्रायल्स के अंदर, तो क्या है एग्जैक्टली चेंजेस जानने के लिए वीडियो अंत तक देखते रहे। पहले अपडेट की अगर बात की जाए तो एज ग्रुप के रिलेटेड पहला अपडेट है ये। तो दोस्तों काफी दिनों से ये चल रहा था कि अंडर 25 का अगले साल भी होगा या फिर नहीं होगा। कुछ समय पहले ही बीसीसीआई ने बिल्कुल भी अनाउंस किया था कि इस साल अंडर 25 के बच्चे भी बिल्कुल भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी कि जिनकी एज 24 साल है वो भी यहाँ पे ट्रायल दे सकते हैं। अंडर 23 और अंडर 25 का जो एज ग्रुप था वो मर्ज कर दिया गया था और एक्सटेंड कर दिया गया था कि यानी कि पहले क्या होता था कि सीकेएनए ट्रॉफी के अंदर अंडर 23 के बच्चे ही सिर्फ पार्टिसिपेट कर सकते थे। अभी इस साल से जो हुआ है कुछ अपडेट्स आए थे उसके बाद में 24 और 25 साल के जो भी बच्चे हैं वो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते थे। अभी ऑफिशियल हो चुका है कि अगले साल भी जो ट्रायल्स होंगे बिल्कुल भी यहाँ पे एक सेपरेट खेली जाएंगी। अंडर 20 का जो एज ग्रुप है उनके लिए बिल्कुल भी अलग से ट्रॉफीज ऑर्गेनाइज होंगे, तो बिल्कुल भी काफी अच्छी अपडेट है। दूसरे अपडेट की अगर बात की जाए तो बिल्कुल भी ये जो अपडेट है वो डॉक्यूमेंट्स को लेके है। जो भी डॉक्यूमेंट्स लगती है तो उसमें थोड़े बहुत चेंजेस है। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डेट ऑफ बर्थ वगैरह लगता है या फिर आधार कार्ड लगता है, तो अभी डेट ऑफ बर्थ जो है वो बिल्कुल भी आपको कंप्यूटराइज लगने वाली है। इसके अलावा कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे वो लोग, जिससे कि आपकी सही एज उससे पता चले जब स्कैन करेंगे वो तब। और तीसरे अपडेट की अगर बात की जाए तो वो बिल्कुल भी ऐसे बच्चों के लिए है जो अदर स्टेट से बिल्कुल भी यहाँ पे ट्रायल देना चाहते हैं, यानी कि अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो और आप देना चाहते हो कर्नाटका से ट्रायल, तो बिल्कुल भी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको डॉक्यूमेंट्स लगते हैं कि आपको दिखाना पड़ता है कि 3 साल या फिर उसके ऊपर आप वहां पे रहने चाहिए, तो बिल्कुल भी अगर ऐसे आप करते हो, ऐसे आप बिल्कुल भी 3 साल से उस स्टेट में रह रहे हो, बिल्कुल भी यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हो, लाइट बिल वगैरह दिखा सकते हो और आप ट्रायल दे सकते हो किसी भी एकेडमी का या फिर बीसीसीआई ट्रायल का। अभी उसमें बहुत ही बड़ा चेंज हो चुका है। पहले क्या होता था कि एड्रेस जो आपका परमानेंट रहता था वो अलग सेट का रहता था, बट अभी क्या करना होगा, आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उसके ऊपर भी आपको एड्रेस चेंज करवा के लेना पड़ेगा। जो भी आप स्टेट से बिलोंग करते हो, जो भी आप जिस भी स्टेट में रहते हो, तो वहां का एड्रेस आपके डॉक्यूमेंट्स में होना चाहिए, तब भी आप एकेडमी में एडमिशन ले सकते हो या फिर बीसीसीआई क्रिकेट ट्रायल में उस स्टेट से पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो कैसे लगे ये अपडेट आपको, ये मुझे नीचे कमेंट्स में बताना ना भूलना दोस्तों। बट दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तो मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। बट जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपको, अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना, जिससे कि आपके नोटिफिकेशन मिस ना हो जब भी मैं ऐसे अपडेट आपके सामने लाता रहूं तब। और तब तक के लिए मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में ऐसे ही अपडेट के साथ। बाय बाय।